सबसे पहले जो लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे गौपालक हो, सबको बधाई देता हूँ। आप इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ है, 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदी। तो सबसे पहले अन्नदाताओं को बधाई शुभकामनाएं। 22,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में। दूसरा, बधाई गौपालकों को, गोबर विक्रेताओं को, जो अब सेंचुरी भी पार कर चुके हैं, 200 करोड़ रुपया भी डबल सेंचुरी उसमें भी लगा चुके हैं, तो इसके लिए उनको भी बधाई। और बधाई देता हूँ आदरणीय कृषि मंत्री भाई प्रदीप और पूरे अधिकारियों को, मैदानी स्तर के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, गौठान समिति के सब साथी हैं, उनको भी बधाई कि एक ऐसा काम जो इसके पहले कहीं नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, और व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ था। और इस कार्य को आप लोगों ने एक मुकाम तक पहुंचाया है, और साथ ही सफलता दर सफलता आप हासिल करते भी जा रहे हैं। और स्वावलंबन की ओर, जैसा कि अभी चौबे जी ने कहा कि 51% हमारे गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों में हमारे सारे गौठान स्वावलंबी हो जाएंगे और गोबर खरीदी के लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, निर्भरता खत्म हुई है, ये बड़ी बात। और पहले तो गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात करते थे, लेकिन हमारे जो स्व सहायता समूह के बहनें हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो मिल के गोबर से दिया बनाने लगे, गो कास्ट बनाने लगे, गमले बनाने लगे, गुलाल बनाने लगे। और अब तो हम लोगों ने जो पिछले समय MOU हुआ था, तो अब प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। प्राकृतिक पेंट में जिस प्रकार से अभी अयाज जी ने बताया कि 22,000 लीटर ना, कितना? नहीं, प्राकृतिक 22 लाख रुपए का। कितने लीटर उत्पादन कर चुके हैं? 17,000 लीटर आपने उत्पादन किया है। अब आपको ये मैच करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे स्कूल अब बनने बनने वाले हैं, जिसका रंगाई पुताई हमको करना है और अभी से शुरू होगा, तो उसके वो जो मांग है और उसकी पूर्ति, दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि व्यापक पैमाने पे हर गांव के स्कूल को, इस शहर के स्कूल को पुताई करना है, तो पहला काम तो ये है कि जो स्कूल के हमारे विद्या मंदिर हैं बच्चों के, उसकी पुताई के लिए आपको उतना उत्पादन करके रखना होगा। दूसरी बात है, जितने भी हमारे शासकीय कार्यालय हैं, जहाँ भी रंगाई पुताई होगा उसका उपयोग आपको करना है, उसकी भी पूर्ति आपको करना है। तो इसको आपको इस देखना होगा, नहीं पता चला कि आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, फिर शिक्षा विभाग फिर दूसरे रास्ता फिर तलाशने शुरू करेंगे, हमको तो मिला ही नहीं। तो फिर ये जो आप इतनी इकाई डाल रहे हैं, वो फिर वो काम प्रभावित होगा। तीसरी बात यह है कि जो बिजली हम लोग बेमेतरा में 2 अक्टूबर को शुरुआत किए थे बिजली उत्पादन का, अब वो ज़मीन पे उतरता दिखाई दे रहा है। जगदलपुर के जो डोंगा घाट है, वहाँ 26 जनवरी को पहले बिजली, गोबर से बिजली उत्पादन का हमने संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये बड़ी उपलब्धि। उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी इसकी शुरुआत हो रही है। अब बहुत जल्दी से एक तो उसके रेट है तैयार करना, दूसरा उसको ग्रिड में जोड़ने का काम, जो उत्पादन होगा, क्योंकि वो जितना उत्पादन कर रहा है और आपके जो फ्रीक्वेंसी, पता नहीं क्या टेक्निकल आप लोग उसको करते हैं, तो वो मैच हो ताकि ट्रांसमिशन लाइन में जा सके। इसको आप लोगों, ये इंजीनियर लोगों का काम है और विद्युत विभाग इसको करे। रेट भी तय करना है और दूसरा उसको ग्रिड से जोड़ना है, तो वो काम हम लोगों को करना है। तीसरा, जिसके बारे में, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में भी बात हो रही थी, अभी हम लोगों ने वहीं कुकानार में हम लोग गए थे, बहुत बढ़िया बना है। अब आवश्यकता ये है कि उसके, जैसे हम लोग उद्योग नीति बनाए हैं 2019 से 2024 का, तो उसी प्रकार से ग्रामीण उद्योग की नीति भी हम लोगों को बनाना चाहिए, कि सरकार चाहे इंडिविजुअल हो
या गौठान समिति के द्वारा यदि कुछ काम करते हैं वो नीति बन जाए, जिस प्रकार से उद्योग नीति बनी है उसी प्रकार से इसको भी सब्सिडी हम लोगों को देना चाहिए, बिजली में, पानी में, लोन में, जीएसटी में और बहुत सारी जो हम लोगों ने इसमें घोषणा की है, तो उसका अध्ययन करते हुए इसमें भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपना उद्योग लगा सकते हैं। हम कितना जैसे 5,000 स्क्वायर फीट हम जमीन देंगे या उसे कम देंगे या ज़्यादा देंगे, ये सारी चीज़ का अध्ययन होना चाहिए और एक नीति जल्दी से बने और कैबिनेट से पास हो जाए और ताकि वो उसका लाभ, अब हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना ही रहे हैं, 300 बन ही रहा है, तो उसके बनने से पहले ही ये नीति हमारे फ्लोट हो जाए ताकि जो युवा हैं चाहे वो कोई चीज़ कोई उद्योग लगाना चाहते हैं वो लगा सकें, खासकर जो कृषि उत्पादन है या वन से जो उत्पादन लघु वन उपज है उससे या दूसरे कोई उद्योग वो लगाना चाहते हैं, उसके लिए ये नीति बने ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान लड़के लड़कियां या समूह में कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे समूह में काम कर रहे हैं तो उनको उस प्रकार से उसको रजिस्ट्रेशन हो और उसके प्रकार से लोन की प्रक्रिया हो, उसके सारे सब्सिडी उसको मिले, जैसे मशीन के बारे में बोल रहे थे तो वो खुद मशीन खरीदे वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शासकीय तौर पे अब खरीदी करेंगे तो आजकल तो कंप्यूटर आप 5 साल पहले खरीदे हैं तो आज वो अनुपयोगी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल तो आधुनिक मशीनें लगातार आ रहे हैं, MRI पहले करते थे अब उसके हर साल नए वर्सन आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से मशीनों का भी है, तो वो मशीन की जानकारी उन हितग्राहियों को देना और उसके बाद उसके पसंद के कुछ वो चयन कर मशीन चयन करके वो खरीदी की व्यवस्था करे, तो इस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए और ये दोनों काम को जल्दी कर दे, ट्रांसमिशन में जोड़ने का काम, और दूसरी बात ये है जब बिजली उत्पादन से पैसा मिलना शुरू होगा और जैसे आज हम वर्मी कंपोस्ट का पैसा वितरण कर रहे हैं, गौमूत्र का पैसा वितरण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बिजली का भी पैसा उन समितियों को उन समूहों को हम वितरण करें, ये सुनिश्चित आपको करना होगा। जब एक बार आप शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए फिर वो तो लाइन लग जाएगी सारे गठानों में, क्योंकि उसमें तो गोबर पेंट कर रहे हैं तो गोबर का दूसरा उपयोग मतलब आप दूसरा उपयोग करें उतनी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन यदि बिजली उत्पादन करते हैं तो क्वांटिटी भी कम नहीं होना है, बल्कि आपको 15 दिन 20 दिन जो आपको ठंडा करने में लगता है उसके बाद आप टाँके में डालते हैं वो समय भी बचा और दूसरा आपको वो क्वालिटी भी मिलेगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट में, क्योंकि वो जो गोबर है उसमें मीथेन निकल चुका है, पानी कम हो चुका है, ऐसे में वो जो गोबर बचेगा तो उसमें वर्मी जो केचुआ डालते हैं तो वो खा पाएगा नहीं खा पाएगा, उसमें कितने मात्रा में आपको पैरा पत्ता मिलाना पड़ेगा वो भी आपको अध्ययन करना होगा, अध्ययन करेंगे और उसका आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास 25-30% आ रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, अब जब वो पानी और मीथेन निकलने के बाद 60% जो गोबर बचेगा उसमें अधिकतम मतलब 30% से ज़्यादा वर्मी आपको उसमें मिल सकता है, वो भी एक अध्ययन करना है आपको, और यदि ये हो जाता है तो गोबर का पैसा मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट का भी पैसा मिलेगा, बिजली भी पैसा मिलेगा। पेंट में तो उतना गोबर अलग हो गया, फिर पानी रस निकाले, तो एक चीज़ का कितना उपयोग हम कर सकते हैं ये बड़ी बात होगी। तो एक उद्योग गोधन न्याय योजना है, वो बहुत सारे उद्योग को स्थापित कर रहा है, नए नए आप पैमाना स्थापित करते जा रहे हैं और देश और दुनिया के लिए बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है, तो आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।